अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनके बलिदान को याद किया गया। आदिवासियों के अस्तित्व, स्वायत्तता, संप्रभुता, जल, जंगल एवं जमीन पर ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन चलाने वाले आदिवासी राजकुमार महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती विगत दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्यातिथि विधायक सिरमौर के पी त्रिपाठी एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल के विशिष्ट आतिथ्य में एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, जहां पर उनके छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान बिरसा मुंडा के बलिदान को याद कर सराहा गया। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के गणमान्य नागरिक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी। गुलाम करने वाले देखती हूँ, ये मीटिंग कहनी थी। जिस भारत माता की जय के लिए मैंने रामचरित मानस में पढ़ा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, सभी लोग जानते हैं प्राण जाहि पर वचन न जाए। और वर्तमान समय में यदि इसको हमने क्रियान्वित होते हुए देखा है अक्षरशः, जो मुन्नालाल जी ने कहा कि कोल समाज की ये स्थिति है गांव में अच्छी स्थिति में भी है और बुरी स्थितियों में भी है। और इतनी बुरी स्थिति में होते हुए भी यदि हमारे रामचरितमानस की इस चौपाई को प्राण जाहि पर वचन न जाहि इसको जमीन पर उतारने का आज भी यदि कोई समाज सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करता है तो वो कुल समाज है, आदिवासी समाज है। उनको महानायक कहा, उनको जननायक कहा और उनको भगवान कहा। और ऐसे ईश्वर के अवतार बिरसा मुंडा का जयंती मनाने का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मुन्ना लाल जी सही कह रहे थे, एक बार एनसीसी के ग्राउंड में हुआ था भव्य कार्यक्रम, इतना जन सलाह उड़ा था। जब मैं वहां मंच पर पहुंचा था तो मैंने कहा कि तो कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं दिख रही। उसके बाद फिर आप ही लोगों के निवेदन में मुख्यमंत्री जी को डभोरा में ले गए थे, नेताजी यहाँ पर उल्लेख कर रही थी, वहां भी आयोजन किया था। उद्देश्य था ये बताने के लिए कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दौर में मैं विधायक हूँ, जिस दौर में इलैया राजे जी कलेक्टर है, जिस दौर में यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं, यदि ये दौर नहीं होता और आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करना होता तो हमें बड़ी परेशानी होती, कहां से मकान का पैसा लाएं। यदि हमारे पास नियम कानून संशोधन करके दखल रहित अधिनियम और वासस्थान अधिनियम बनाने का काम यदि हम लोगों ने अपनी सरकार बनने के बाद उस नियम को पारित न कराया होता तो कहां से हम आपको पट्टे देते। मुझे याद है कि दखल रहित अधिनियम कैबिनेट से पास कराया था और उसके बाद एक हफ्ते मैंने सवेरे से शाम तक, सुबह निकलते थे और शाम को घर लौटते थे, पट्टा बांटने का अभियान शुरू कर दिया। एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, वो तहसीलदार, सारे लोग हमारे 10 दिन के कार्यक्रम में हमने सूची दे दी थी कि यहाँ यहाँ हमारे आदिवासी बिना पट्टे के हैं, हमारे कोल समाज को हमको पट्टा देना है, कार्रवाई करिए, एक हफ्ते बाद शुरू करेंगे और लगातार एक हफ्ते पट्टे बांटेंगे, तब जाके सबको पट्टे देने का काम हो पाएगा।